और क्या हाल आप सभी लोगों का। सभी लोग मस्त होंगे ना। तो गाइस यार ये देखो तुम्हारे भाई का ट्रक, मेरा नहीं है, कंपनी वालों का है, पर तुम्हारे भाई का ही माना जाएगा। मैं किस्त देता हूँ इसकी, ठीक है ना। तो यार फिलहाल तुम्हारे भाई को काम मिला है कंस्ट्रक्शन का, तो यार अभी मैं सीमेंट लेके जा रहा हूँ। मेरे ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा सीमेंट भर रही है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। अभी यार अपनी एक सोसाइटी बन रही है लॉस सैंटोस के अंदर, वहाँ का जो बिल्डर है ना उसने मेरे से ये मंगवाई है सीमेंट। अब इसको देंगे और उसके बदले में कम से कम मेरे को 3.5 या 4 लाख रुपये देगा। सोचो मोटी कमाई है भाई इस चीज़ के अंदर, भाई बहुत मोटी कमाई बिल्डर वाले काम के अंदर। बस पहुंच गए। देखो सामने देख रहे हो आप जो जिगा, वही जिगा है, वहां पर मुझे सीमेंट देनी है और उसके बाद तुम्हारे भाई को 3.5-4 लाख रुपए मिलेंगे। उससे मेरे को एक तो ट्रक की किस्त भरनी है, साथ में मेरे को किराया देना है रूम का और बहुत सारे काम है। मतलब अपना मस्त जिंदगी चल रही है सही में। ओके चलो बस हम लोग पहुंच गए। देख रहे हो यार प्लॉट कटे हुए यहां पर, मस्त मस्त घर बनने वाले हैं। चलो उतरता हूं यहां पर जल्दी सी। हां सर, अरे यार ये हेलमेट मैं भूल गया बाइक का उतारना, पागल हूं मैं भी सही में। हेलो सर, जैसा आपने बोला था सीमेंट आ गई है जो आपने मंगाई थी। अरे एक सेकंड, ये तो सिंचन है। अरे सर हाँ तुम ही हो ना वो सीमेंट लाने वाले। हाँ सर मैं सीमेंट लेके आ चुका हूँ पूरी। अरे ये क्या, ये नहीं चाहिए सीमेंट। अरे क्या हो गया? अरे इससे सीमेंट नहीं चाहिए हमें। अबे सिंचन क्यों? अरे नहीं चाहिए तुमसे सीमेंट, बस बोल दिया ना। अरे सर क्या हो गया, सीमेंट ही तो चाहिए हमें। अरे इस आदमी से मुझे सीमेंट नहीं चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। अबे सिंचन तू कौन है, क्यों बोल रहा है बीच में? अरे सुमित भैया यहाँ का जो ये काम हो रहा है वो मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ही बनवा रहा हूँ ये सारे के सारे घर। क्या तू बनवा रहा है? हाँ सुमित भैया, फोन किसने किया था? अरे सर फोन तो मैंने किया था आपके पास। अरे तो भाई पहले क्लियर करना था ना आपको। अरे मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं चाहिए इस आदमी से सीमेंट। मेरे को नहीं चाहिए, अपना ट्रक वापस ले जाओ, नहीं दूंगा एक भी पैसा इस सीमेंट का। और किसी से सीमेंट मंगाओ, ठीक है ना। अबे सिंचन ऐसे मत कर यार, मेरा ट्रक बहुत ज्यादा बड़ा है, उसका बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, पता है आने आने में बहुत ज्यादा तेल पी गया वो। अरे मुझे क्या लेना देना। अरे सर ले लीजिए, हमें तो सीमेंट से मतलब है ना, कोई चाहे लेके आए क्या नहीं लेके आए। अरे एक बार बोल दिया जब नहीं चाहिए इसकी सीमेंट। अरे यार बोलो ना यार इसको। अरे सर मैं कुछ कर नहीं सकता, अब ये मना कर रहे हैं तो अब मैं ऊपर से कुछ कह नहीं सकता ना, क्योंकि उनका काम हो रहा है यहाँ पर। भाई यार मेरा बहुत ज्यादा लॉस होगा। अरे सर हमें पता है लॉस होगा, क्योंकि आपका ट्रक तेल बहुत ज्यादा पीता है और एक आप बहुत दूर से सीमेंट लेके आ रहे हैं। हाँ वही तो। अरे सिंचन मान जा यार भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे सुमित भैया मुझे तुमसे सीमेंट नहीं चाहिए, बोल दिया ना, बस जाओ यहाँ से। गाइस यार ये क्या, ये तो मेरी बैंड बज गई यार। सिंचन ने मना कर दिया सीमेंट लेने से, और यार ये जो मेरा ट्रक है ना ये इतना ज्यादा बड़ा है, तुम्हें पता है मैं शहर से बाहर से सीमेंट लेके आ रहा हूँ, वहां से यहाँ तक आने में 50,000 रुपए का तेल पी चुका है ये ट्रक, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रक है यार, इसकी माइलेज बहुत गंदी है और ये 50,000 का तेल पी चुका है अभी तक। और ऊपर सब सिंचन ने मना कर दिया मेरे को, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, अब मैं किस्त कैसे भरूंगा इसकी। और ऊपर से इसका आधा ज्यादा टैंक खाली भी हो चुका है, मेरे को नहीं लगता मैं वापस भी पहुंच पाऊंगा। और नो यार ये क्या हो गया, मेरे को शॉर्टकट लेना पड़ेगा, शॉर्टकट लेता हूँ जल्दी सी। तो गाइस यार शहर में से शॉर्टकट मिलता है, वहां से चलते हैं शहर में से, जाएंगे मस्त शॉर्टकट लेके, जिससे अपना ट्रक पहुंच जाएगा, फिर लॉस नहीं होगा। एक सेकंड, ये लो भाई बज गई बैंड। ये पुलिस वाला क्या आ गया पीछे मेरे, क्या करूं, साइड में लगाता हूं ट्रक, पता नहीं ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, साइड में लगाते हैं ट्रक को। अरे यार क्या है इस पुलिस वाले को, यार मैं आराम से जा रहा था यार, रोक लिया फालतू में। हाँ सर क्या हो गया? इधर आ। हाँ सर बोलिए क्या हो गया? अरे सर उतरेंगे तो तभी तो बात होगी। अरे उतर रहा हूँ ना, साइड में लगा रहा था अपना गाड़ी को। हाँ सर बोलिए। अरे ये ट्रक कहाँ लेके जा रहा है, तेरे को पता नहीं है शहर के अंदर ट्रक ले जाने अलाउड नहीं है? अरे सर मेरी मजबूरी है इसलिए लेके जा रहा हूँ। अरे काहे की मजबूरी, तेरा चलान कटेगा, 20,000 रुपए निकाल चुपचाप। अरे सर मेरे पास पहले ही रुपए नहीं और आप मेरा चलान काट रहे 20,000 रुपए का। अरे बकवास मत कर, 20,000 रुपए निकाल चुपचाप, ट्रक को कैसे लेके जा रहा है तू सिटी के अंदर? सिटी के अंदर ट्रक चलाने अलाउड नहीं है, चुपचाप जो लॉन्ग हाईवे वहां से क्यों नहीं लेके जाता तू? अरे सर मेरे ट्रक के अंदर इतना तेल नहीं है जो मैं इतना लंबा लॉन्ग कट मार के जाऊँ, इसलिए मैं शॉर्टकट लेके जा रहा था। अच्छा तेरे चक्कर में पता है कितने लोगों को परेशानी होगी शहर के अंदर। अरे नहीं सर मेरा ट्रक नया ही है, ऐसे तो कोई पोल्यूशन नहीं करता ये। प्लीज सर जाने दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे शान पट्टी करके मत दिखा मेरे सामने, चुपचाप 20,000 रुपए निकाल, वरना अभी तेरे ट्रक को सीज कर लूंगा। अरे ठीक है सर ले जाइए। चलो यार 20,000 रुपए की कमाई हो गई मस्त वाली, चलो चलते हैं। अरे बल्ले मजा आ गया 20,000 रुपए। लो गाइस यार यहाँ पर तेल बचाने के चक्कर में मेरे 20,000 रुपए का और फटका लग गया भाई, 50,000 वो 20 ये 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। और अब तो मैं जा भी नहीं सकता इस ट्रक को लेके शहर के अंदर से, वापस घुमाना पड़ेगा यार। अबे भाई दिमाग खराब हो गया। नहीं यार अब तो मैं लेके ही जाऊंगा, कट तो नहीं मारने वाला भाई, 20,000 रुपए दिए हैं ना मैंने ऑलरेडी इस चीज के लिए शहर के अंदर जाने के, तो मैं शहर के अंदर से लेके ही जाऊंगा अब तो ट्रक को भाई, क्योंकि यार इतना लॉस नहीं झेल सकता तुम्हारा भाई। और इस चैन का बच्चा पहले इसने मेरी झंड मारी और ऊपर से इतना नुकसान करवाया, ऊपर से पुलिस वाला इसने मेरी झंड मार के यार ऊपर से इतना नुकसान करा दिया, निकलो
जल्दी सी। अबे यार बहुत कम तेल बचा है मेरे ट्रक के अंदर, क्या करूँ। एक तो यार ये सीमेंट बहुत ज्यादा है यार, सीमेंट को मैं काम करता हूँ कहीं फेंक देता हूँ यार, क्योंकि जिससे ट्रक थोड़ा तेज चलेगा और अपा जल्दी पहुँच पाएंगे जहाँ पर अपा को पहुँचना है। और मेरे को यार और काम भी करना पड़ेगा क्योंकि यार किस्त देने का टाइम आ चुका है और ऊपर से मेरे पास पैसे नहीं है। कहाँ पर खिंडाऊँ सीमेंट को, वहाँ खिंडा देता हूँ, वो डब्बा सा रखा है ना वहाँ पर जाके हम सारी की सारी सीमेंट खिंडा देते हैं। हाँ ये सही रहेगा, पानी में घुल जाएगी। यहाँ पर ये लगाता हूँ रिवर्स में लेके, एकदम परफेक्टली देख रहा हूँ कितना बड़ा ट्रक है यार हमारा सेमी। आराम आराम से पीछे लेके चलता हूँ धीरे 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 धीरे। रुक जा, रुक बैठे, सीमेंट को मत खिंडा, और रुक जा एक बार। अरे कौन है, कौन चिल्ला रहा है? अरे क्या हो गया अंकल, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मत कर ऐसा। अरे ये तो अंकल नहीं, बाबा। हाँ बाबा बोलिए। अरे ये सीमेंट मेरे को दे दे बेटा। अरे बाबा आपको दे दूँ? हाँ बेटा मेरे को घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। अरे गिर गया, बैठो। अरे सीमेंट चाहिए आपको घर बनाने के लिए? हाँ वो मैं घर बना रहा हूँ मेरा नया, उसके लिए मेरे को सीमेंट चाहिए। मेरे को पता था कुछ लोग आते हैं यहाँ पर सीमेंट फेंकने के लिए, तो ये सीमेंट मेरे को दे दे बेटे। ठीक है बाबा, आपको मैं दे तो देता हूँ ये सीमेंट, पर मुझे क्या मिलेगा बदले में? बोरा मैंने कब बोला मैं तेरे को कुछ दूंगा नहीं बदले में? बदले में तू मेरा रैम चैलेंज कर सकता है। कैसा रैम चैलेंज? वो मैं साल में एक बार एक ऐसा रैम चैलेंज करवाता हूँ जिसके अंदर जो भी जीतता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। क्या बात कर रहे हो, सच्ची? वो सच्ची क्या मुच्ची? ओ बाबा यार प्लीज मेरे को भी उस रैम चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने दो ना फिर। जॉय तो बोल रहा हूँ, अगर तू मेरे को ये सीमेंट देगा तो मैं तेरे को उस रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करने को दूंगा, और उसके बाद तू जीत गया तो तेरी बल्ले बल्ले, वरना कुछ नहीं होगा तेरा। ठीक है ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप ये सीमेंट ले लीजिए। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये जो ट्रक है इसके अंदर जितनी भी सीमेंट है वो दे रहा हूँ मैं बाबा को, बदले में बाबा मेरे को एक रैम चैलेंज करने देंगे जिससे मेरी लाइफ बदल सकती है। और क्या, अगर तेरी लाइफ बदल गई तो सोच तेरे को ट्रक नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ वही तो, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ फिलहाल, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। प्लीज बाबा जल्दी चलिए वहाँ पर। वोरा चल रहे हैं पर देख लियो उसमें जान का खतरा भी है। जान का खतरा? कैसा जान का खतरा? वो रैम चैलेंज वो बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ ठीक है कैसा ही खतरा हो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। पहली मेरे को 5-6 लाख रुपए का फटका लग चुका है, मेरे को और फटके नहीं खाने, ऊपर से मेरे को किस्त भी देनी है। ऑटो ठीक है चल फिर जल्दी सी। चलो गाइस यार चलते हैं रैम चैलेंज करने के लिए, बस एक बार मैं जीत जाऊँ उसके बाद सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ऑटो तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। आज के रैम चैलेंज जो कोई भी यहाँ पर जीतेगा उसकी लाइफ चेंज होगी। मेरे को ये रैम चैलेंज जीतना है बाबा जी, आपने वादा किया था, मैंने आपको केला दी थी खाने के लिए। और बंदर मेरे को याद है तूने मेरे को केला लाके दी थी बहुत सारी, इसलिए मैंने तेरे को वादा किया था। ओए और ये क्या, तू कौन है, तू क्यों आया है? अरे बाबा मेरे को भूल गए, आपने बोला था शमशान में से हड्डियां लाके दो बदले में रैम चैलेंज करने दोगे, आप भूल गए लगता है। और ज़ॉम्बी, हाँ याद है मेरे को। और भाई तू? अरे बाबा भी सुबह तो बात हुई थी, मैंने आपको सीमेंट दी थी, बदले में आप मेरे को ये रैम चैलेंज करने देंगे। और हाँ यार मेरी तो याददाश्त कमजोर है ना इसलिए मैं भूल जाता हूँ। हाँ तो तुम तीनों के बीच में होगा आज का ये रैम चैलेंज, जो भी जीतेगा उसको ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी, बोले तो खतरनाक। ये तो सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि एक बार मेरे को वो चीज मिल गई तो मैं अपने आप को वापिस जिंदा कर लूंगा। हैं? वापिस जिंदा कर लूंगा? मतलब तुम मर चुका है क्या? और क्या, मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो ज़ॉम्बी आया है भाई रैम चैलेंज करने के लिए, बस मुझे यहाँ पर जीतना है। ओ गाइस यार इसके पास तो बाइक भी काफी अच्छी है, ये जीत गया तो मैं ही जीतूंगा। हाँ वो तो टाइम बताएगा। और ये चला यहाँ पर ज़ॉम्बी, देखते क्या करेगा। ये उड़ा दिया भाई ज़ॉम्बी ने, और ये भाई तगड़ा चला रहा है बाइक ज़ॉम्बी। ओ भाई ज़ॉम्बी है तो खतरनाक सेमी। वैसे ज़ॉम्बी तू बचपन में क्या था, मतलब मरने से पहले क्या था तू? मैं एक बाइक राइडर था, मेरी मौत असल में बाइक चलाते हुए हुई थी। अच्छा बाइक राइडर नहीं तू एक छपरी था, ये बोलना तू? नहीं मैं छपरी नहीं था। नहीं तू छपरी था जब तेरे पास ये KTM है। ऐ ऐसे नहीं है, मैं बिना हेलमेट बाइक चला रहा था। हाँ जब तो तू छपरी है, बिना हेलमेट जो लोग बाइक चलाते हैं वो छपरी होते हैं, ऊपर से जो तेज चलाते हैं। ज़्यादा मत बोल। और ये यहाँ पर तू तो गया, तो गाइस यार यहाँ पर मेरे हिसाब से ज़ॉम्बी तो डिस्क्वालीफाई होने वाला है क्योंकि अब ये मेरे को नहीं लगता इस बाइक को ऊपर ले जा पाएगा। और ये देखो जैसा मैंने बोला था ज़ॉम्बी हो गया डिस्क्वालीफाई। बस मेरे को ये रैम चैलेंज जीतना है, उसके बाद मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, फिर मैं कुड़ी नु पसंद ले लांगे। हैं कुड़ी नु पसंद, ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड का नाम था जो मुझे छोड़ के चली गई किसी और बंदर के लिए। ये कैसा नाम होती है कुड़ी नु पसंद? अरे उसकी मम्मी ने नाम रखा था उसका कुड़ी नु पसंद, बड़ा अजीब नाम यार सेमी।
है, बस एक बार मैं जीत जाऊं फिर मैं कुड़ी नु पसंद को बुला लूंगा। हाँ देखते हैं तू जीतता नहीं जीतता, वैसे जीतना तो मेरे को ही है यार, क्योंकि यार मेरे को कैसे करके अपनी लाइफ चेंज करनी है यार। अगर समझो दिमाग खराब हो रहा सोच सोच के भी, अगर मैं यहाँ पर नहीं जीता तो भाई बैंक वाले मेरे घर पर आ जाएंगे, वैसे मैं किराए पे रहता हूँ और भाई ऊपर से भाई लोन भरना है मेरे को, दिमाग खराब हो जाएगा भाई, पूरी जिंदगी झंड हो जाएगी। क्योंकि जो वो ट्रक है ना जो मैं चलाता हूँ भाई, वो कोई सस्ता ट्रक नहीं है, वो असल में 2.5 करोड़ रुपए का ट्रक है, और यहाँ पर भाई बंदर भी डिस्क्वालीफाई हो गया। हार गया मैं तो, मेरी जिंदगी तबाह हो गई मेरी राम प्यारी। बेटे वो दोनों तो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्या तू भी डिस्क्वालीफाई होगा उनकी तरह? नहीं 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 बाबा, मैं जीतूंगा बिल्कुल, वो तो टाइम बताएगा तू जीतेगा या हारेगा। तो चल जल्दी से हो जा मोटरसाइकिल के ऊपर सवार और दिखा तेरे में क्या टैलेंट है, या तू भी हारेगा इन लोगों की तरह। नहीं बाबा मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा, उन दोनों के ऊपर कोई कर्जा नहीं था, और तुम्हें पता है दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या होती है? कर्जा करना सर के ऊपर। अगर तुम्हारे ऊपर एक बार कर्जा हो जाता है, अगर तुमने उसको नहीं तारा तो भाई साहब बैंक वाले अलग परेशान करते हैं, तुमने यार दोस्तों से कर्जा ले रखा है वो तुम्हें अलग परेशान करेंगे। इसलिए कहते हैं बड़े बूढ़े की कर्जा ना लेना चाहिए, ठीक है? दो दोस्तों अगर आप लोगों को जरूरत ना हो तो लोन कभी मत लेना, मतलब ज्यादा जरूरत हो तो ही लेना। जैसे मैंने वो ट्रक खरीदने के लिए लोन ले लिया था जिससे मेरे को बिजनेस करना था, अगर मैं उस लोन नहीं भर पाया तो मेरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा भाई। इसलिए इतनी महंगी चीज कभी मत लेना जो तुम्हारी औकात से बाहर हो, काम की चीज लिया करो। और ये देखो भाई साहब मैं जीत गया, ओ बेटे बातों बातों में मैं जीत भी गया गाइस, यल्ला भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। अरे मेरे को क्यों मार रहा भाई फिर तू? अबे आजा लड़ाई करेगा यल्ले। ओ भाई साहब बड़ा खुश हूं यार मैं सही में। अरे एक सेकंड, अरे मेरे को मिला क्या है? वो बेटे तेरे को ये गाड़ी मिली है? हैं बाबा आप बोले तो लाइफ बदल जाएगी मेरी, आप तो मुझे सिर्फ एक गाड़ी दे रहे हैं। अरे बेटे को ये मामूली गाड़ी नहीं है, फिर कौन सी गाड़ी है? वो बैटमैन को जानता है तू? हाँ जानता हूँ बैटमैन को, जिसकी भी ये गाड़ी होती है बैटमैन का सारा पैसा उसे मिल जाता है। क्या बैटमैन तो बहुत बड़ा वाला करोड़पति है। हाँ तो आज से उसका पैसा तेरा हुआ क्योंकि उसकी गाड़ी तेरी हुई। ओ भाई साहब ये तो काफी कमाल की चीज हो गई यार, बैटमैन की गाड़ी मुझे मिल चुकी है। और तुम लोगों को पता होना हो तो बैटमैन स्वयं ही बहुत करोड़पति आदमी है, बोले तो आयरन मैन से भी ज्यादा करोड़पति बैटमैन है भाई, उसके पास बहुत सारा पैसा खानदानी। वो एक सेकंड मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, इस गाड़ी के आसपास क्या बैट्स उड़ रहे हैं? हाँ भाई मैंने इतनी गाड़ी देखी आज तक, पर ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी। देख रहे हो भाई इसके चारों तरफ बैट्स उड़ रहे हैं, और ये देखो इसके नीचे बैटमैन का लोगो भी है, और ये हवा में भी उड़ रही है यार बैटमैन की तरह। ओ भाई यार क्या कमाल की गाड़ी है भाई, मैंने आज से पहले इतनी कमाल की गाड़ी नहीं देखी। अबे ये क्या मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है ये गाड़ी? क्योंकि बैटमैन की गाड़ी है यार, बैटमैन को ज्यादा अच्छे से चलानी आती होगी, तुम्हारा भाई थोड़ी कोई बैटमैन है। ओए अरे यार ये तो चक्कर दिला रही है मेरे को, अरे ये रास्ते तक पहुंच तो जाएगी ना, अरे कहीं ये पानी में ना डूब जाए, प्लीज बैटमैन की गाड़ी पहुंच जाना। ओए चक्कर आ रहा है मेरे को, उल्टी आ जाएगी, जल्दी उतारता हूं इसको। अरे भाई मर जाऊंगा मैं, अरे बस थोड़ा सा और, पहुंच गया बच गया भाई, कितना चक्कर आ रहा था सैमी। भाई गाड़ी तो कमाल की है भाई सैमी बैटमैन की, इससे पैसा सब कुछ मेरा होगा। तो गाइस यार अभी हम लोग जा रहे हैं जिसने मेरी जिंदगी तबाह की थी, जिस आदमी ने, समझ रहे हो किसका नाम ले रहा हूँ मैं? सिंचैन का। तो अभी हम लोग चलते उसी जगह पर जहाँ पर हम लोग जा रहे थे, जहाँ पर हम सुबह ट्रक लेके गए थे सीमेंट का, ठीक है? यहाँ पर रोकता हूँ, रोक लगाओ इस जगह पर, यहाँ पर अब कोई घर नहीं बनेगा। अरे सर आप तो, एक सेकंड, आप तो सुबह सीमेंट लाए थे ना? हाँ मैं वही हूँ। अरे सर, अरे ये कौन है? अरे सुमित भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि मैंने सरकार से अनुमति ले ली है, अब यहाँ पर कोई घर नहीं बनेगा। क्या सुमित भैया बकवास मत करो, ये मेरी जमीन है, सरकार से बात करके मैं ऑलरेडी जमीन ले चुका हूँ। अरे हाँ सर आपका नाम अपडेट हो चुका है जैसा कि मैं देख सकता हूँ, आज से यह आपकी जमीन है। हाँ मैंने सरकार को पैसे दे दिए इस चीज के, अब यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, ठीक है? जो मैं चाहूंगा यहाँ पर वो होगा। हाँ सर ठीक है सर। और देख थोड़ा बहुत मैंने सोना दिया है, इससे इस जगह का पूरा कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट करा देना सुमित के नाम से। अरे सुमित भाई ये सब क्या है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे सर क्या हो गया? अब मैं तेरे को जानता नहीं, तू है कौन? ये ले मेरे बिल्डर को क्यों मारा है? अबे इस बिल्डर की वजह से तुम्हें रोड पे आया था क्या सुमित भैया? हाँ ये तू भी ले। अरे मुझे क्यों मार रहे हो अब, तेरे और तेरे बिल्डर की ऐसी तैसी? तो गाइस यार मैं इतना गरीब बताऊं कैसे हुआ था, इस बिल्डर ने मेरे को लूट खाया था, इसने मेरे को एक स्कैम में फंसा दिया था, और तू भी ले सिंचैन। अरे सुमित भैया माफ कर दो यार, सॉरी मैं तो चला यहाँ से। अरे सुमित भैया मुझे माफ कर दो, मुझे भी ले चलो, मुझे नहीं लेके जाना तेरे को कहीं भी। तो गाइस यार मजा ही आ गया यार, कितना ज्यादा खुश हो रहा हूँ मैं सिमी, अब सिंचैन से मैंने बदला ले लिया और साथ में उस बिल्डर से भी बदला ले लिया। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था मैं गरीब कैसे बना, आखिर
उस बिल्डर की वजह से मैं गरीब बना था। मेरे को पहले उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसके अंदर स्कैम हो गया था भाई सरकार के साथ बहुत बड़ा वाला, इसलिए मैं गरीब हो गया था, इसलिए मैं उसका ही ट्रक चलाता था यार। समझो यार कितना बुरा हुआ था मेरे साथ। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी। और ऊपर से बैटमैन की गाड़ी, भाई क्या भक्ति है भाई, बिल्कुल बैटमैन की तरह। एक सेकंड में भाई 200 300 पता नहीं कितनी चलती है। अरे भूल गया मैं, बाय बाय।